पिछले एपिसोड में हमने 1857 के स्वतंत्रता समर के बारे में जाना और हमने जाना मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे महान लोगों ने किस तरह अपनी आत्मा से सींच कर इस महान स्वातंत्र्य यज्ञ की शुरुआत की थी। स्वागत है आपका मिथक टीवी की स्वतंत्रता सीरीज में। आज हम आपको 26 जनवरी के बारे में बताएंगे। 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया था, क्यों? क्या कोई खास विशेषता थी इस दिन की या वो एक साधारण दिन था? आइए जानते हैं। अंग्रेजों ने 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम का एक कायदा बनाया था। इसी कायदे को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई, पर साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए पूरे देश में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध हुआ। तो बौखला कर अंग्रेजों के भारत मंत्री बर्कन हेड ने भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाने की चुनौती दे दी। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। संविधान बनाने हेतु सभी पार्टियों ने मिलकर एक समिति बनाई जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को चुना गया और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे विद्वान लोग इस समिति के सदस्य थे। और तो और मुस्लिम लीग ने भी अपना एक सदस्य इस समिति में भेजा था। इस समिति ने एक रिपोर्ट बनाया, ये इतिहास में प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट था। अंग्रेज सरकार ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। यहाँ तक लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों की बातों में आते हुए इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता कड़वे राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे पूर्ण स्वराज के अधिकृत मांग राष्ट्रसभा के मंच से करने पर अड़े थे और दूसरी तरफ सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग अभी भी डोमिनियन स्टेटस की मांग पर ही अड़े थे। राष्ट्रसभा अब दो गुटों में बढ़ चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने इस संकट की स्थिति में मध्यस्थी की और फिर ये तय हुआ कि सरकार को एक साल का वक्त दिया जाए। अगर सरकार एक साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार नहीं करती तो राष्ट्रसभा अपने मन से पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। देखते ही देखते एक साल पूरा हो गया, पर अंग्रेज सरकार ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाया, ना तो इस पर सरकार ने कोई चर्चा की। सरकार के इस रवैये ने मॉडरेट गुट को भी गुस्सा दिला दिया था और वे अब बिना किसी संकोच से पूर्ण स्वराज के पक्ष में आ गए थे। साल 1929, राष्ट्रसभा का अधिवेशन का आयोजन उसी लाहौर शहर में किया गया जहां साइमन कमीशन के विरोध करने वाले लाला लजपत राय जी को अंग्रेजों ने पीट कर मारा था। जवाहरलाल नेहरू को बिना किसी विरोध के अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे गुट को संतुष्ट करने हेतु सरदार पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को कार्यकारिणी में भी लिया गया और इसी कार्यकारिणी की सम्मति के बाद लाहौर के मैदान में पंडित नेहरू ने लालाजी को श्रद्धांजलि दी और फिर घोषित किया पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया गया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के इन नेताओं के पास स्वतंत्रता दिवस का चुनाव करने का कोई मौका नहीं था। अंग्रेज तो देश को अराजकता और दंगों के बीच में जलता छोड़कर भाग गए थे, पर जब संविधान की निर्मिति 26 नवंबर 1949 को हुई तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल ने जिम्मेदारी से भारत की कमान थामी थी। उन्होंने 26 जनवरी 1930 की गरिमा को जानते हुए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया। वैसे तो हम इसे प्रजासत्ताक दिन या रिपब्लिक डे कहते हैं, पर असलियत में जनता के हाथ में सत्ता 26 जनवरी 1950 से ही आई, क्योंकि 1947 से लेकर 1950 तक भारत की सत्ता ब्रिटिश संसद के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से ही होती थी। यहाँ तक गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया जाता था जिनका नाम था सी राजगोपालचारी।